नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम कोटा में हैं। ये कोटा में हमारा तीसरा चौथा दिन है, याद नहीं है। और आज हमें जाना है जोधपुर वापस। हम जोधपुर के लिए निकल रहे हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 4:30 यहीं बज चुके हैं। 4:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया है और जोधपुर यहाँ से 450 किलोमीटर का फासला है। और अभी हम खड़े हैं हैंगिंग ब्रिज पर, जो आप देख ही रहे हो हैंगिंग ब्रिज पे। और वो हमारी गाड़ी खड़ी है और वो हमारे मित्र खड़े हैं और ये हैंगिंग ब्रिज है। तो सोचा यहाँ पर थोड़े फोटो शोटो ले लेते हैं और यहाँ से अब निकलते हैं। अब आपको बीच में हम दिखाएंगे टाइम लैप्स गाड़ी से। और अब हमारा विचार है कि हम 3 घंटे तक कोई स्टॉप ना लेंगे, 3 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाएँगे। ज़्यादातर रास्ता है वो कवर कर लेंगे, उसके बाद चाय पानी के लिए रुकेंगे और फिर से चल पड़ेंगे। हमारा टारगेट है कि 10:30, 11 बजे तक जोधपुर पहुंच जाए तो फिर अच्छा है। और ये हैंगिंग ब्रिज है। एक बात और बता दूं हैंगिंग ब्रिज की, कि जब आप यहाँ पर खड़े हो ना गाड़ी के पास, तो गाड़ी हिलती हुई नज़र आती है क्योंकि ब्रिज थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। ऐसे ही हम खड़े हैं, नॉर्मली तो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी के पास खड़े रहेंगे या गाड़ी को टच करेंगे तो गाड़ी हिलती हुई नज़र आएगी। नज़र नहीं आएगी, हमें महसूस होगी। अब जैसे मैं ये गाड़ी के पास खड़ा हो गया, ये कन पास से निकला, तो मुझे अब ये गाड़ी हिलती हुई नज़र लग रही है। और आपको भी दिखा देता हूँ ये, और ये हमारी गाड़ी। हमने कुछ रास्ता क्लियर कर लिया है, मतलब निकाल लिया है। कुछ आ गए हैं 60-70 किलोमीटर। अभी हो रहे हैं 5:30 बज रहे और बारिश का व्यू बहुत ही अच्छा है और मस्त मौसम बन रहा है। हम भगाए जा रहे हैं गाड़ी को, कहीं रुकने का विचार नहीं है अभी तक। थोड़ा पास आएंगे तो रुकेंगे। और अभी आपको मैं रोड कंडीशन दिखाऊँ तो बहुत ही मस्त रोड कंडीशन है और लेस ट्रैफिक है, बिल्कुल लेस ट्रैफिक है। सनसेट हो रहा है ये देखो, और इधर देखो वो प्यारा सा सनसेट हो रहा है। और ये सामने से थोड़े बहुत बाइक लाते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं। रोड बहुत अच्छी है, एकदम प्लेन रोड है, ट्रैफिक बहुत लेस है और थोड़ी थोड़ी धुंध छाई हुई है। अभी हम यहाँ से जाएंगे जाजपुरा, जाजपुर के आगे पहुँचेगा शाहपुरा, शाहपुरा से आगे का हम आगे बताएंगे आपको, पूरा ही अभी बता देंगे तो फिर आप आगे नहीं देखोगे। अभी स्किप कर दो, स्किप मत करना, थोड़ा देख लेना पूरा, हम मेहनत करके बनाते हैं। ये देखो खेतों में हरियाली, फसल गांव की फसल है, इधर भी है उधर भी है। ये भाई थोड़ा इंस्टा पे लाइव है आने का मजे ले रहा है, पास में बैठने का यही तो एडवांटेज है भाई, एडवांटेज कुछ नहीं है, बस देखना है बस। ये क्लिप बनाए जा रहा है, इंस्टा पे लाइव हो रहा है, मजे ले रहा है भाई जिंदगी के पूरे। चलो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, जाएं कहीं भी हम रुकेंगे, चाय पानी करेंगे वहीं पर, आपको भी साथ साथ में चाय पानी पिलाएंगे, अकेले अकेले नहीं पियेंगे, ठीक है। चलो बाय। Thank you.
तो अब हमने 4 घंटे के बाद में स्टॉप लिया है, 4 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाई है, हम लगभग 250 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अब पास में यहाँ पर चाय कॉफी पी ली, बाहर बहुत ठंड है और बाहर गाना बज रहा है तो मैं बाहर व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। और अभी हम बर में रुके हुए हैं, ये देखो ये होटल है, ये होटल है, यहाँ पर हमने खाना नहीं खाया, चाय कॉफी पी और गाना चल रहा है। तो अभी हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट जोधपुर में, क्योंकि रात हो गई, रात में दिखाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ अच्छा सा कैप्चर हो नहीं पाएगा। और मैं गाड़ी के अंदर हूँ इसलिए मेरे जैकेट नहीं पहनी हुई है। तो फाइनली हम जोधपुर पहुँच चुके हैं बहुत मेहनत के बाद, गाड़ी चला चला के बुरा हाल हो चुका है भाई, मेरा तो भाई का कुछ नहीं हुआ, भाई साइड में बैठ के गाने चला रहा था आराम से, और रात का मौसम था। तो अब यहाँ पर भाई को ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप करने के बाद मैं मेरे घर चला जाऊँगा, थोड़ा सा दूर है। तो आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको, फोटो ट्रिप भी एंड हुई, या फिर कोई नई ट्रिप निकालेंगे, क्या निकाले हम नहीं बताओ, वो वक्त का वक्त बताएगा, वक्त का वक्त बताएगा, अच्छा वक्त का वक्त बताएगा, याद रखो वक्त का वक्त, बहुत डीप मीनिंग है, मैं भी नहीं समझा ये भाई कभी एक्सप्लेन करेगा, कुछ समझ में आया ही नहीं, मैंने तो बस फेंका है। अच्छा तो अब मैं जाऊंगा घर, सो जाएंगे, मैं जाऊंगा हॉस्टल में, और ये भी जाएगा अपने घर, ये भी सो जाएगा अगर सोना होगा तो, नहीं तो अपने दोस्तों को बताएगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो मिलते हैं आपको फिर कभी अगले वीडियो में, अगले वीडियो, तब तक के लिए नई ट्रिप के साथ बाय बाय।